लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। इरमा बुधवार को कैरेबियाई द्वीप बारबुडा से 297 स्पीड की रफ्तार से टकराया। यूएस के फ्लोरिडा स्टेट में इमरजेंसी लगा दी गई है। यहां तूफान के शुक्रवार देर रात पहुंचने की आशंका है। 166 साल में यह दूसरा मौका है जब 15 दिन में अमेरिका में दो ताकतवर तूफान हार्वे के बाद इरमा आए हैं। इरमा से करीब 3 करोड़ लोगों के प्रभावित होने की आशंका है। कैरेबियाई द्वीप सेंट मार्टिन को इरमा ने भारी नुकसान पहुँचाया है। इरमा तूफान के चलते उत्तरी कैरीबिया में अब तक 15 लोगों की जान चली गई है। तूफान की वजह से इमारतें तबाह हो गई और घर उड़ गए। इसके चलते हजारों लोग बेघर हो गए हैं। कैरेबियाई द्वीपों में हजारों लोग बेघर हो गए हैं। फ्रांस के इंटीरियर मिनिस्टर गेरार्ड कोलोम्ब ने कहा कि राहत और बचाव कार्य शुरू किए जा चुके हैं। कोलोम्ब ने कहा, आइलैंड्स में 1 लाख फूड पैकेट्स भेजे गए हैं। इन इलाकों में कम्युनिकेशन करने में काफी मुश्किल आ रही है। इरमा के चलते पूरे प्यूर्टो रिको में बिजली गुल हो गई। यहां बिजली बहाल करने में 6 महीने लगेंगे। कुछ हिस्सों में 7 से 15 दिनों में बिजली बहाल होगी। तेज हवाओं और बारिश के चलते यहाँ काफी नुकसान हुआ। ये हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक की ओर तय वक्त से पहले ही रवाना हो गया। इस बात की आशंका है कि इरमा रविवार सुबह घनी आबादी वाले फ्लोरिडा पहुंच जाएगा। इसके चलते गवर्नर ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है और मियामी मेट्रो और साउथ कैरोलिना के इलाकों से लोगों को घर खाली करने को कहा गया है। फोरकास्टर्स के मुताबिक तूफान का असर पूरे फ्लोरिडा पर पड़ेगा और ये जॉर्जिया और साउथ कैरोलिना को भी अपनी चपेट में लेगा। मियामी यूनिवर्सिटी में हरिकेन रिसर्चर ब्रायन मैकनोल्डी ने कहा, ये अमेरिका के इतिहास में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला तूफान होगा। बताया जा रहा है कि अभी यह तूफान कम आबादी वाले इलाकों से गुजरा है। जब यह फ्लोरिडा से गुजरेगा तो ज्यादा तबाही मचाएगा। वहां इससे 25 इंच तक बारिश हो सकती है। इससे लैंडस्लाइड और बाढ़ की आशंका है। इससे यहां के 2 करोड़ लोग प्रभावित होंगे। फ्लोरिडा की संतरे और कॉटन की फसल चौपट हो जाएगी। ब्राजील के बाद संतरे का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन यहीं होता है। क्रूज बिजनेस और इंश्योरेंस कंपनी के शेयर गिर गए हैं। फ्लोरिडा में इंश्योरेंस कंपनियों को 7 लाख करोड़ का क्लेम देना पड़ेगा।